दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसे डिमर पर लगाकर ऑन करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। अभी देखिए हमारा स्टेबलाइजर कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मीटर बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है, आउटपुट बिल्कुल इसमें जीरो है। इसे हम इनपुट वोल्टेज देखते हैं, देखिए इनपुट वोल्टेज इसके अंदर आ गया है, लेकिन हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा है, आउटपुट बिल्कुल इसने ऑफ कर रखी है, यहाँ तक कि इसका इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, आपको अंदर से दिखाते हैं ये वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए दोस्तों स्टेबलाइजर कुछ अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है, इसमें तीन ऑपरेटिंग रिले दे रखी है और एक टाइमर और हाईकट के लिए रिले दे रखी है। ये एक 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम करने वाला ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, 5 KV का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और इसमें माइक्रोकंट्रोलर किट यूज़ कर रखी है, बहुत अच्छी किट है, बहुत अच्छा सर्किट है, इसमें आमतौर पर फॉल्ट नहीं आता है, लेकिन फिलहाल स्टेबलाइजर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं फॉल्ट कहाँ पर है। दोस्तों इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो सर्किट यूज़ कर रखा है इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट का माइक्रोकंट्रोलर सर्किट है, बहुत अच्छा सर्किट है, इसमें हमें किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें मेन ट्रांसफार्मर से एक सप्लाई आती है जिससे ये सर्किट ऑपरेट होता है। और इसमें सभी रिले को सेट करने के लिए अलग अलग प्रीसेट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही प्रीसेट से सारी रिले सेट हो जाती है, सारे स्टेप सेट हो जाते हैं एक ही बार में। और इसमें हाईकट और टाइमर दे रखा होता है, इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट ऑफ कर देता है, जो कि इसने ऑफ कर रखा है। तो देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है, फॉल्ट क्यों आया, आमतौर पर फॉल्ट उसमें ना के बराबर ही आते हैं, तो इसमें फॉल्ट क्यों आ रहा है ये चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिमर पर लगाकर थोड़े वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, तकरीबन 100-120 वोल्ट के आसपास इनपुट इसमें देंगे। आपको दिखाते हैं इनपुट वोल्टेज, ये देखिए लगभग 120-130 वोल्ट के आसपास हमने इसे इनपुट वोल्टेज दे रखा है, आउटपुट अभी नहीं निकाल रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी इसका सर्किट हम चेक करते हैं। दोस्तों किसी भी सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम उस पर इनपुट सप्लाई चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दे रखी है, यानी यहाँ पर 24 वोल्ट एसी आना चाहिए, 20 से लेकर 24 वोल्ट एसी यहाँ पर करंट आना चाहिए। तो पहले हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये करंट नहीं बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इनपुट सप्लाई नहीं आ रही जो कि मेन ट्रांसफार्मर से आना चाहिए। तो देखते हैं सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, तो चेक करते हैं ये वायरस का। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से इनपुट सप्लाई टूटी हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉन से सप्लाई आती है एसी सप्लाई, तो इसकी वजह से सर्किट हमारा वर्क नहीं कर पा रहा है। ये वायर हम कनेक्ट करते हैं, जब तक इसमें इनपुट सप्लाई नहीं आएगी सर्किट हमारा वर्क नहीं करेगा। सप्लाई हम कनेक्ट करके फिर चेक करते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों वायर हमने कनेक्ट कर लिया है, ये वायर टूटा हुआ था, इसे बाद में सोल्ड कर लेंगे, अभी चेक करते हैं कि सर्किट हमारा कैसा वर्क कर रहा है। इसे एक बार फिर से हम डिमर पर लगा कर चेक करते हैं, डिमर को जीरो से धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये देखिए अभी रिले ऑन होने की आवाज़ आई, और ये जो इसका इंडिकेटर है ये भी ब्लिंक कर रहा है, पहले इंडिकेटर ब्लिंक नहीं कर रहा था, यानी सर्किट के अंदर करंट नहीं आ रहा जिसकी वजह से इंडिकेटर भी ब्लिंक नहीं कर रहा था। इसमें ये टाइमर रहता है, ये तकरीबन 30 से लेकर 40 सेकंड के बीच का टाइमर रहता है, और जब तक ये इंडिकेटर ब्लिंक करता रहेगा आउटपुट नहीं निकलेगी, इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देगा आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर हमें जल्दी स्टार्ट करना है तो इसमें रिसेट का एक जैक रहता है, तो हम उसे शॉर्ट करके जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, अब इसके स्टेप्स देखते हैं स्टेप्स कैसे आ रहे हैं। ये देखिए स्टेप हमारे 200-250 वोल्ट के बीच में अच्छे से वर्क कर रहा है। वही मैंने आपसे कहा था कि स्किट में फॉल्ट आमतौर पर ना के बराबर आते हैं, बहुत कम फॉल्ट आते हैं, और अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसका रीजन क्या है वो हमें चेक करना है। तो ये मामूली सा फॉल्ट था, स्टेबलाइजर के अंदर एक वायर टूटा हुआ था जिसकी वजह से स्टेबलाइजर हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा था। हमारा सर्किट बिल्कुल सही था, रिले बिल्कुल सही थी, सब कुछ हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन एक छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। दोस्तों मेरे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो हमारा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।